तो दोस्तों ये है रोजगार कार्यालय कोरबा, और आप यकीन नहीं मानोगे, होली के अगले दिन से ही, जैसे ही भूपेश बघेल सर ने घोषणा किया कि जितने भी बेरोजगार हैं उनको बेरोजगारी भत्ता 2500 रुपये दिया जाएगा, और जैसे ही ये घोषणा हुई कि उसमें जो योग्यता है वो 12वीं पास होना चाहिए, 18 से 35 साल उम्र होना चाहिए, और 2 साल तक दिया जाएगा 2500 रुपये पर मंथ, उसके लिए ये है कि रोजगार कार्यालय में उसका पंजीयन होना चाहिए, और उसके परिवार का जो क्या वार्षिक आय है वो 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उन्हीं लोग पात्र होंगे जो रोजगारी बेरोजगार भत्ता मिलेगा उसके लिए। तो इसके लिए देखो आप, जो रोजगार कार्यालय में पंजीयन कराने की जो संख्या है, वहाँ अंदर बैठने की जगह नहीं है, आपको मैं दिखाता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ है पंजीयन कराने के लिए। ये देख सकते हैं आप कितना ज़्यादा भीड़ है यहाँ रोजगार कार्यालय में पंजीयन कराने के लिए। सब फॉर्म भर रहे हैं और जमा कर रहे हैं ताकि इनको बेरोजगारी भत्ता मिल सके, चाहे लड़की हो या चाहे लड़के। यहाँ बहुत ज़्यादा तो मेरे को लड़की दिख रही है। ये अचानक कल से ही बहुत ज़्यादा, जैसे होली के बाद ओपन हुआ है उसके बाद पंजीयन कराने के लिए सैकड़ों की संख्या में यहाँ आ रहे हैं। हर घंटे में यहाँ लगभग दिन में 1500 से 2000 लोग पंजीयन कराने के लिए आ रहे हैं।